हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको टाइम से टाइम मिलते रहेगा। देखो गाइस, आपकी 2022 को टारगेट करते हुए SBI PO और क्लर्क को मैंने टारगेट करते हुए ये 1000 पजल की सीरीज स्टार्ट की थी। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, देखो ये हमारा सेट नंबर 63 है, ठीक है। अब देखो इस 1000 पजल की सीरीज में क्या करता हूँ, डेली आपके लिए मैं कुछ पजल लेके आता हूँ जो प्री लेवल की भी होगी और आपकी मेंस लेवल की भी आपकी होगी गाइस, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा क्या है, एग्जाम RBI भी है, असिस्टेंट का एग्जाम इस मंथ के अंदर मेंस का, और ESIC UDC का भी आपका एग्जाम है इस मंथ, तो आपके लिए मैं प्री लेवल की पजल्स भी लेके आया हूँ और मेन्स लेवल की पजल्स भी लेके आया हूँ। अब आज जो मैं क्या करके लेके आया हूँ, SBI PO और क्लर्क के लिए मैं लेके आया हूँ कि आपकी है फ्लोर बेस पजल, ठीक है। आज हम करेंगे फ्लोर बेस पजल, ठीक है। इसको टारगेट किया है हमने, तो इसके लिए मैंने 2 से 3 क्वेश्चन लिए गाइस, ठीक है। अब इनकी अप्रोच ऐसी होगी, आप अगर एक बार देख लोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो अब इसमें आपके पास देयर आर 8 सिंगर्स दे रखे हैं, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, नेहा कक्कर, अरमान मलिक, कुमार सानू, AR रहमान, जावेद अली और शान। ये क्या करते हैं, लिविंग ऑन अ 8th फ्लोर बिल्डिंग, 8th फ्लोर की बिल्डिंग में रहते। बट आगे बोला है कि बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर दे रखा है ना ऐसे सेम ऑर्डर में नहीं रहेंगे, ठीक है। या आपका हिंदी मीडियम के लिए एक बार कोशिश करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन दे। चलिए अब ये मेरे पास 8th फ्लोर की बिल्डिंग है, उसने क्या बोला था कि ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है और टॉप मोस्ट फ्लोर क्या आपका नंबर 8, ये टॉप हो गया और ये आपका 1 हो गया। अब आगे उसने क्या बोला है कि देखो इंफॉर्मेशन मेरी स्टार्ट होती है यहां से, क्या देखो, ये देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज बता दूं आपको, आपकी अप्रोच मैटर करती है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो रीजनिंग में क्या है कि आपका जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है ना आपके 70-80% सिलेबस करते हैं, तो इसमें आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पकड़नी है जो डेफिनेट हो। अब डेफिनेट हो का मतलब कोई चीज़ बोल दे कि ये चीज़ यहाँ पर रहेगी तो रहेगी, यू आर पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है, तो आप स्टार्ट करोगे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से। उसके बाद क्या करोगे, आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देखोगे जो तो उससे क्या हो रिलेट होती जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तो सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सोनू निगम लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, ये कंफर्म है कि वो इवन नंबर फ्लोर पे आएगा, और अबाव 4th फ्लोर, जो आपका 4th फ्लोर है ना उसके ऊपर आपका कौन रहेगा, देखो जैसे 4th फ्लोर ये है तो इसके ऊपर इवन नंबर पे या तो 6 पर रहेगा या फिर 8 पर रहेगा, कौन, सोनू निगम। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है सोनू निगम की। अभी मैं लिख लेता हूँ कि सोनू निगम आपका आएगा इवन नंबर फ्लोर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है जी। चलिए अभी हमने इसको लिख लिया है। आगे बोला है कि 1% लिव बिटवीन सोनू निगम एंड AR रेहमान, मतलब जो आपका ये देखो ये इन्फॉर्मेशन हो गई एक आपकी। उसके बाद बोला है कि जो आपका सोनू निगम है उसके और AR रेहमान के बीच में आपका 1% रहेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि AR रेहमान आपका सोनू निगम के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों है मेरे पास, तो मैं दोनों लिख लूंगा। आगे बोला कि जावेद अली लिव्स ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर एंड देयर आर 2% लिव बिटवीन AR रहमान एंड जावेद अली, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जावेद अली आपका क्या है, आपका ये कंफर्म हो गया ऑड नंबर पे रहेगा, और जावेद अली और सोनू जावेद अली और AR रहमान इन दोनों के बीच में आपके 2% रहेंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि AR रहमान जावेद अली के ऊपर भी रह सकता है और नीचे भी रह सकता है, देयर आर सम पॉसिबिलिटी इफ द जावेद अली इज ऑड नंबर फ्लोर देन AR रहमान इज लिव्स ऑन अबव एंड बिलो, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी इन दिस केस, ठीक है। चलिए आगे बोला सोनू निगम लिव ऑन सोनू निगम लिव्स अबव AR रहमान, तो AR रहमान के ऊपर आपका सोनू निगम रहेगा, तो यहां से मेरे पास पॉसिबिलिटी कंफर्म हो गई क्या कि आपका जो सोनू निगम है, उन्होंने बोला ना सोनू निगम लिव अबाव AR रहमान, AR रहमान के ऊपर आपका रहेगा सोनू निगम, ठीक है जी।
अब देखो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि जैसे सपोज आप क्या है कि देखो यहाँ पे सोनू निगम को लेते हो तो आपका ए आर रहमान आ गया। अगर सपोज आप ए आर रहमान को 6th फ्लोर पे लेते हो, सॉरी सोनू निगम को आप 6th फ्लोर पे लेते हो तो इसके ऊपर नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया, ए आर रहमान नीचे आएगा। ठीक है जी, चलिए तो मैं क्या करता हूँ दोनों केस आपको समझा देता हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। अब देखिए आपका क्या बोला उसने, सोनू निगम आपका 4th फ्लोर के ऊपर इवन नंबर पे कहीं रहेगा, फोर्थ ये है 6th पर रहेगा 8th पर रहेगा। सोनू निगम एक बार फर्स्ट केस में आपका क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका 6th फ्लोर पे, और एक बार सोनू निगम आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8th फ्लोर। अब सोनू निगम और ए आर रहमान के बीच में 1 फ्लोर है, और सोनू निगम आपका ए आर रहमान के ऊपर आएगा, तो देखो 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए आर रहमान। ठीक है जी, ये फर्स्ट केस हो गया मेरा, यहाँ पे लिख दूँ मैं, मेरा फर्स्ट केस है और ये मेरा सेकंड केस। सेकंड केस में आपका ए आर रहमान आ जाएगा 6th फ्लोर पे। ठीक है चलिए, अब आगे उसने बोला था कि जावेद अली और ए आर रहमान के बीच में 2 फ्लोर है, तो यहां पे देखो जावेद अली नीचे पॉसिबल है और ऊपर भी पॉसिबल है, बट सेकंड केस में देखो 1 2 जावेद अली ऊपर पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो नीचे आएगा 1 2, यहां पे मेरा जावेद अली आ गया। ठीक है जी, आगे देखो जावेद अली डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर नंबर 1, मतलब जावेद अली आपका ए आर रहमान के नीचे नहीं आएगा फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट फ्लोर पे आएगा तो फर्स्ट फ्लोर, मैंने मना कर दिया उसने कि जावेद अली आपका फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, मतलब ऊपर ही आएगा, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका जावेद अली। ठीक है जी, फर्स्ट केस में आज जावेद अली आपको ऊपर आ गया, तो यहां से मेरे क्या हो गई, जो इन्फॉर्मेशन लिख रखी थी वो हमारी हो चुकी है, इसको यहां से हम इरेज कर देते हैं, हमारे पास जगह बच जाए। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, अगर बोला कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जावेद अली एंड अरिजीत सिंह। ठीक है जी, तो जावेद अली और अरिजीत सिंह के बीच में आपका 1 पर्सन रहेगा, यहां पे लिख दूं मैं, जावेद अली और अरिजीत सिंह के बीच में आपका 1 पर्सन रहेगा। अब पॉसिबिलिटी है कि अरिजीत सिंह आपका जावेद अली के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। ठीक है जी, आगे बोला कि अरमान मलिक लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर अबाउट जावेद अली। देखो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, कैसे, अगर आप देखो ये बोला कि अरमान मलिक आपका इवन नंबर फ्लोर पर रहेगा अबाउट जावेद अली, फर्स्ट केस देखो जावेद अली के ऊपर एक ही जगह बचती है इवन वाली, कौन से 8th फ्लोर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अरमान मलिक, तो मैं अरमान। सेकंड केस में देखो जावेद अली के ऊपर इवन नंबर आपका देखो 8th पे हो गया, 6th हो गया, मतलब 4th बचा, यहाँ पे आ जाएगा आपका अरमान मलिक, ये हो गया मेरा। अब देखो नेक्स्ट, अगर बोला है कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन अरमान मलिक एंड कुमार सानू, कुमार सानू और अरमान मलिक के बीच में 1 पर्सन रहेगा, फर्स्ट केस देखो अरमान मलिक और यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, तो ये केस क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से कैंसिल, मेरा आंसर क्या होगा सेकंड केस से आएगा। अब देखो अरमान मलिक और कुमार सानू के बीच में 1 मतलब 1 पर्सन रहेगा, तो ऊपर देखो 1 2 पॉसिबल है नहीं ना, तो इस केस में क्या होगा, नीचे आएगा मेरा कौन, कुमार सानू, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कुमार सानू आ जाएगा, जो रहेंगे हमारे सेकंड फ्लोर पे। चलिए आगे बोला है कि नेहा कक्कर लिव्स अबाउट शान, शान जो सिंगर है ना आपके ऊपर उसके नेहा कक्कर रहेगी। ठीक है जी, अभी कहीं पे भी रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट आगे बोला कि कुमार सानू डज नॉट लिव ऑन अ लोअर मोस्ट फ्लोर एंड लिव अबाउट अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह के ऊपर रहेगा ये, मतलब ऊपर रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अरिजीत सिंह आ जाएगा।
और आपको बोला था अरिजीत सिंह और जावेद अली के बीच में 1% है, तो ये हमारा केस हो गया। ठीक है जी, तो इसको हम यहाँ करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हम। ठीक है, और ये हमारे हो चुके हैं तो इसको बिठा देते हैं। चलिए अब देखो इसने क्या बोला कि शान के ऊपर आपकी नेहा कक्कड़ रहेगी, तो शान आपके 5th फ्लोर पर रहेंगे कि 2 ही फ्लोर बचे हमारे, और उसके ऊपर 1 फ्लोर बचा तो 7th है, यहाँ पे आपकी नेहा कक्कड़ आ जाएगी। अब उसने आगे क्या बोला कि शान लिव ऑड नंबर फ्लोर अबाउ 3rd फ्लोर, मतलब 3rd फ्लोर के ऊपर आपका शान रहेगा, मतलब ये भी हो गया, मेरा आंसर क्या हो गया एकदम कंप्लीट आ गया। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक एक चीज आप लिख के रखो, और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा विद इन टाइम के अंदर, क्योंकि देखो प्री क्या है आपका, स्पीड का खेल है, उसके अंदर स्पीड प्लस एक्यूरेसी सही है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप मेंस की बात करो तो मेंस में हमें क्या चाहिए, ओनली एक्यूरेसी चाहिए, हमें क्या है फोकस नहीं करना है स्पीड में, हमें बस ये ध्यान रखना है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा मेंस के अंदर, मुझे एक्यूरेसी, क्या क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, क्या मुझे छोड़ना है, ये आपका डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला कि 6 फ्रेंड्स हैं, ये आपके पिंकी, भरत, चंदन, विकास, धीरज और किरण आर लिव ऑन अ 6-स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, यह आपका हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है चलिए, अब देखो इसने क्या बोला है कि आपके पास 6 फ्रेंड है, 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है और टॉप फ्लोर जाते जाते हमारा 6th है, ये हो गया 6th फ्लोर, ये हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर नंबर 1। ठीक है जी, अब देखो इन्फॉर्मेशन मेरी यहां से स्टार्ट होती है, इन्फॉर्मेशन कैसे ही बोला है इसने कि किरण लिव्स ऑन अ टॉप मोस्ट फ्लोर, तो ये मेरी क्या है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि किरण मेरी कहाँ पर रहेगी, टॉप फ्लोर में, मतलब 6th फ्लोर पर रहेगी, तो मुझे इसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरी कंफर्म हो जाएगी, मेरी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है किरण मेरी कहाँ पर रहेगी, वो रहेगी 6th फ्लोर पर। ठीक है जी, आगे बोला कि ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन चंदन एंड किरण, किरण और चंदन के बीच में 3 फ्लोर है, मतलब 3 पीपल रहते हैं, तो 1, 2, 3, मतलब 2nd फ्लोर पे कौन आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा चंदन। आगे बोला है कि ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन धीरज एंड विकास, धीरज और विकास के बीच में आपके 2 पीपल रहते हैं, अब पॉसिबिलिटी है कि विकास मेरा धीरज के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, अभी हमें नहीं पता। ठीक है जी, आगे बोला था नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन पिंकी एंड भरत इज सेम एज द इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन चंदन एंड विकास। देखो इसने क्या बोला है कि जितने पर्सन आपके पिंकी और भरत के बीच में रहेंगे उतने ही आपके चंदन और विकास के बीच में रहेंगे, यानी आपके विकास और चंदन के बीच में रहेंगे, कैसे कि जैसे सपोज पिंकी और भरत के बीच में 2 पर्सन है तो चंदन और विकास के बीच में भी 2 आएंगे। अगर बोलता है कि इफ देयर इज 1 पर्सन लिव बिटवीन पिंकी एंड भरत देन ऑलवेज इक्वल टू चंदन एंड विकास। ठीक है, अगर बोला है कि ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन चंदन एंड भरत, भरत और चंदन के बीच में 2 पीपल रहते हैं, तो नीचे पॉसिबल है कि नहीं ना, इस केस में ऊपर आएगा आपका 1, 2, यहाँ पे क्या रहेगा आपका भरत। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब देखो धीरज और विकास के बीच में 2 पर्सन है, कैसे, अब 1, 2, या तो विकास 1st फ्लोर पे आएगा या फिर 2nd फ्लोर पे आएगा, सॉरी 4th फ्लोर पे आएगा, मैं दोनों केस चेक करता हूँ, जैसे सपोज मैं धीरज को लेता हूँ आपका 4th फ्लोर पे, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ आपका विकास को, ठीक है जी, तो लास्ट पर्सन बचा मेरा पिंक, क्योंकि मेरा आ जाएगा 3rd फ्लोर। अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन, पिंकी और भरत के बीच में कितने हैं, 1 पर्सन है, तो चंदन और विकास के बीच में भी 1 होना चाहिए, बट यहाँ तो दोनों पास पास रहते हैं, मतलब ये केस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि विकास मेरा कंफर्म हो गया ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा, चलिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका धीरज, क्योंकि विकास को मैंने ले लिया था। अब जैसे सपोज मैं धीरज को लेता हूँ आपका ग्राउंड फ्लोर पर, तो 1, 2 आपका विकास आ जाएगा 4th फ्लोर पर, ठीक है, और पिंकी क्या हो जाएगी आपकी
थर्ड फ्लोर पे आ जाएगी। अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन चेक कर दे, पिंकी और भरत के बीच में कितने हैं? पिंकी और भरत के बीच में आपके एक पर्सन है, तो चंदन और विकास के बीच में भी एक होना चाहिए, चंदन और विकास के बीच में भी। मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ से? कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी क्या है, जैसे ये वाला जो पजल है आपके क्लर्क लेवल मिलेगा, तो आपको यही ध्यान रखना है कि क्लर्क में जो कट ऑफ हाई इसलिए जाती है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें क्या होता है, आपकी स्पीड मैटर करती है और कुछ स्पीड मैटर के अलावा कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप एक्यूरेसी रखोगे तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। उसके बाद आपको डिपेंड करना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि 7 पर्सन है हु लाइक अ डिफरेंट पॉलिटिशियन, मतलब डिफरेंट पॉलिटिशियन को लाइक करते हैं, जैसे अशोक गहलोत, ठीक है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, कपिल सिब्बल और ममता बनर्जी। लिव ऑन अ 8 डिफरेंट फ्लोर, मतलब देखो यहाँ से पता चल रहा है कि 7 पर्सन है और 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, मतलब एक फ्लोर कन्फर्म होगा खाली होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड अबाव, जाते जाते आपकी टॉप फ्लोर है 7 और आगे बोला 1 फ्लोर इज वैकेंट, तब क्या एक फ्लोर आपका खाली है? ठीक है जी, यह हो गया आपका हिंदी मीडियम के लिए। हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है देखो यहाँ से, द पर्सन हु लाइक ममता बनर्जी लिव्स ऑन अ 5th फ्लोर। जो पर्सन आपका ममता बनर्जी को लाइक करता है वो कहाँ पर रहेगा? आपका 5th फ्लोर पे। यहाँ पे लिख दूँ मैं ममता बनर्जी को जो पर्सन लाइक करता है, तो ममता बनर्जी वाला पर्सन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा ममता। स्पेलिंग देख लेना थोड़ी अगर गलत हो तो, ठीक है। चलिए ये हो जाएगी आपके ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी, ठीक है। तो ममता बनर्जी कंफर्म होगी मेरे 5th फ्लोर पे आएगी। आगे बोला है कि द वन हु लाइक अशोक गहलोत लिव्स बिलो हु लाइक कपिल सिब्बल। जो पर्सन आपका कपिल सिब्बल को लाइक करता है ना, जो पर्सन आपका कपिल सिब्बल को लाइक करता है उसके बिलो रहेगा आपका कौन? जो पर्सन आपका अशोक गहलोत को लाइक करता है, ठीक है जी। तो कहीं भी आ सकता है, हमारे पास पॉसिबिलिटी है। आगे बोला कि 2 पर्सन लिव बिटवीन हु लाइक ममता बनर्जी एंड हु लाइक भगवत मान, मतलब जो पर्सन आपका ममता बनर्जी को लाइक करता है उसके या तो उसके और भगवत मान के बीच में 2 पर्सन आएंगे। अब देखो इस केस में क्या है, जैसे भगवत मान आपका ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ममता बनर्जी और भगवत मान के बीच में आपके कितने पर्सन रहेंगे? 2 पर्सन रहेंगे। दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि ऊपर भी आ सकता है भगवत मान और नीचे भी आ सकता है। आगे बोला नाइदर हु लाइक अमित शाह नॉर हु लाइक कपिल सिब्बल लिव ऑन अ 6th फ्लोर, मतलब 6th फ्लोर पर कौन कौन से नहीं आएंगे? जो आपका पर्सन अमित शाह को लाइक करता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अमित शाह 6th फ्लोर पर नहीं आएंगे, ना आपके कपिल सिब्बल यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे कपिल लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, आपके नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे 6th फ्लोर पर। आगे बोला है वन हु लाइक नरेंद्र मोदी डज नॉट लिव ऑन अ 3rd फ्लोर, जो पर्सन आपका नरेंद्र मोदी को लाइक करता है वो 3rd फ्लोर पे नहीं आएगा, कैंसिल कर देते हैं। आगे बोला है द वन हु लाइक अरविंद केजरीवाल लिव्स इमीडिएटली बिलो हु लाइक भगवत मान, जो पर्सन आपका अरविंद केजरीवाल को लाइक करता है वो इमीडिएट बिलो किसके आएगा? जो आपका भगवत मान को लाइक करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बोला है द वन हु लाइक अमित शाह, द वन हु लाइक अमित शाह लिव अबाव वन हु लाइक कपिल सिब्बल, जो पर्सन आपका कपिल सिब्बल को लाइक करता है उसके ऊपर आपके कौन रहेंगे? अमित शाह, ठीक है जी। आगे बोला है द वन हु लाइक नरेंद्र मोदी डज नॉट लिव ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, मतलब आपके नरेंद्र मोदी वाला जो पर्सन है ना नरेंद्र मोदी को लाइक करता है वो कहाँ रहेगा आपका? वो रहेगा ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है जी। आगे बोला है कि मोर देन 1 पर्सन लिव बिटवीन वन लाइक कपिल सिब्बल और वन लाइक अमित शाह। देखो इसके बीच में मोर देन 1 का मतलब है कम से कम 2 तो आने ही चाहिए, अब 3 भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है मेरे पास।
इसने बोला है कि मोर देन वन का मतलब है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा का मतलब है दो तो कंफर्म रहेंगे कपिल सिब्बल और अमित शाह के बीच में, ठीक है। अब देखो मैं चेक करता हूँ इस पॉसिबिलिटी से, मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी है ना, मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज ममता बनर्जी और भगवत मान के बीच में 2% है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार ले लेता हूँ भगवत मान को टॉप फ्लोर पे। ये आ गए आपके भगवत मान सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, उसके नीचे आपके कौन है इमिडिएट बिलो आपके अरविंद केजरीवाल, यहाँ पे लिख दिया मैंने अरविंद, क्या नाम है केजरीवाल। ये आ गए आपके 7th फ्लोर पे, तो क्या बोला था वो इमिडिएट बिलो है, ठीक है जी। ये हो गया मेरा, अब देखो हाँ ये हो गया मेरा। अब देखो नरेंद्र मोदी आपके क्या है ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं, जो पर्सन आपका नरेंद्र मोदी को लाइक करता है वो कहाँ पे रहता है ऑड नंबर फ्लोर पे। देखो ऑड 7th हो गया, 5th हो गया, 3rd पे आ नहीं सकते, मतलब एक बचा आपका फर्स्ट फ्लोर। नरेंद्र मोदी कहाँ पे आएंगे आपके, जो पर्सन आपका नरेंद्र मोदी को लाइक करता है वो आ जाएगा आपका ग्राउंड फ्लोर, ठीक है जी। ये हो गया मेरा, अब देखो हाँ ये हो गया मेरा, ठीक है। अब कपिल सिब्बल के नीचे आपके अशोक गहलोत रहेंगे, कपिल सिब्बल आपके टॉप फ्लोर पे मतलब 6th फ्लोर पे नहीं आ सकते, तो कपिल सिब्बल ये कंफर्म है कि या तो 4th पे आएंगे या 3rd पे आएंगे। अब देखो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन क्या बोली थी कि कपिल सिब्बल और नरेंद्र सॉरी कपिल सिब्बल और अमित शाह के बीच में कम से कम 2 फ्लोर तो होनी चाहिए, और जैसे सपोज आप कपिल सिब्बल को 4th पे रहते हो तो एक है क्या पॉसिबल नहीं, अगर आप सपोज यहाँ पे ले तो 3rd पे, तो 1 2 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और आप यहाँ पे लेते हो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब मुझे यहाँ से पता चल गया कि भगवत मान कंफर्म हो गए आपके, कहाँ पे आएंगे वो आएंगे ममता बनर्जी के मतलब नीचे रहेंगे आपके, जो पर्सन आपका ममता बनर्जी को लाइक करता है वो कहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलिए तो ममता बनर्जी के जो पर्सन आपका ममता बनर्जी को लाइक करता है, ठीक है, उसके नीचे आपके कौन रहेंगे भगवत मान 1 2, यहाँ पे क्या रहेंगे आपके भगवत मान आ जाएंगे आपके 2nd फ्लोर, ठीक है जी। भगवत मान आ गए, और भगवत मान के इमीडिएट बिलो कौन से पर्सन है जो आपके अरविंद केजरीवाल को लाइक करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को लाइक करने वाला पर्सन कहां पे आएगा आपका, वो आ जाएगा 6th फ्लोर। चलिए इसको यहां से मैं इरेज कर देता हूं, हो गया ना मेरा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, जो पर्सन आपका नरेंद्र मोदी को लाइक करता है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो 3rd पे आ नहीं सकता ऑड, एक तो 3rd है मेरा, एक 5th तो ऑलरेडी है, तो 1 7th बचा। जो पर्सन आपका नरेंद्र मोदी को लाइक करता है वो कहां पे रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 7th फ्लोर। ये हो गया मेरा, यहां से मैं इसको भी इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन बची, कपिल सिब्बल के ऊपर आपके 2 फ्लोर मतलब कम से कम ऐसा है कि 2 फ्लोर तो आने ही चाहिए अमित शाह और कपिल सिब्बल के बीच। अब देखो कपिल सिब्बल आप 6th पे ले नहीं सकते, तो मुझे कंफर्म पता चल गया कपिल सिब्बल आपके क्या होंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल क्या है आपके अशोक गहलोत के ऊपर रहते हैं, तो अशोक गहलोत की जगह एक ही बचेगी, तो कपिल सिब्बल मेरे क्या आ गए आपके 4th फ्लोर पे आ गए, और कपिल सिब्बल के नीचे आपके कौन से पर्सन रहते हैं जो आपके अशोक गहलोत को लाइक करते हैं, ठीक है। अब देखो कपिल सिब्बल और अमित शाह के बीच में कम से कम 2 फ्लोर तो होने चाहिए, तो 1 2 और 3 हो जाएंगे, तो मोर देन 1 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके अमित शाह को जो लाइक करता है ना पर्सन, वो आ जाएंगे आपके टॉप फ्लोर, और एक मेरे पास बचे जो आपके क्या है जो आपके देखो हाँ। चलिए एक पर्सन मेरे पास कौन से बचे, हाँ ये मेरा क्या हो जाएगा 2nd फ्लोर, क्योंकि उसने क्या बोला था 1 फ्लोर आपका खाली है। यहां से आपको देखो एक एक चीज परफेक्ट मिल गई, तो आपको मैं यही बोलता हूँ या तो आप क्या करो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, या आपके अगर रीडिंग हैबिट है तो आप क्या करो ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या हो डेफिनेट हो, उससे क्या होगा मेरा पेपर इजीली क्रैक हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना डेली मॉक लगाओ, और अपना जो प्री का स्कोर कार्ड है ना गाइस
वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि मैं आपको बता सकूं। ये मुझे शेयर करना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आपको मैं डेली क्या करता हूँ, ये देखो ये मेरी क्लास मॉर्निंग में आपको 9:45 पे मिलेगी डेली, ठीक है। डेली मॉर्निंग में आपको 9:45 पे मिलेगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना डेली हमसे जुड़े। मैं डेली कोशिश करता हूँ 2 से 3 पजल लूँ, आपको ऐसी अप्रोच सिखा दूँ कि कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें अप्रोच का ही मैटर करता है। क्योंकि अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो आपको उसको विद इन टाइम सॉल्व करना सीख जाओगे, और यही आपका मैटर करता है प्री के अंदर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लगता है कुछ चांसेस सीखा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम जो आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।